दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक गाना बचपन का प्यार काफी तेजी से वायरल हुआ है क्योंकि इस वायरल वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया यूजर के साथ साथ बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने भी इस गाने पर परफॉर्मेंस किया है और हाल ही में बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने भी इस बच्चे के साथ एक गाना रिलीज किया है जो अभी भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर घूम रहा है। वेल आज की इस वीडियो में हम बचपन का प्यार गाना गाने वाले सहदेव डिकोड़ो की कुल संपत्ति को देखने वाले हैं और साथ ही बादशाह ने इन्हें अपने साथ गाना करने के लिए कितने रुपए दिए हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वेल दोस्तों सबसे पहले अगर जाने सहदेव की संघर्ष भरी जीवनी के बारे में तो इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से जब सहदेव ने अपने स्कूल में बचपन का प्यार गाना गाया था जो वीडियो फाइनली 2 साल बाद वायरल हुआ है। और वीडियो में एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर टीचर के सामने बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे गाना गाता नजर आ रहा है। वेल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान सहदेव ने बताया है कि उसके पिता एक किसान है और उसके घर में ना ही कोई टीवी और ना ही कोई मोबाइल है। मैं आपको बता दूं कि सहदेव ने दूसरे के मोबाइल में गाना सुनकर स्कूल में गया था जो आज इतना फेमस हो गया है कि रातों रात इसका जीवन बदल चुका है। सहदेव ने यह भी कहा कि वह बड़ा होकर गायक बनना चाहता है। वेल दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए जानते हैं सहदेव को बादशाह के साथ काम करने के यानी बचपन का प्यार गाना गाने के लिए कितना पैसा मिला है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि इसका अभी कोई भी सूचना सहदेव ने नहीं दिया है, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि जब बादशाह के साथ गाना रिलीज हुआ है तो जरूर लाख रुपए के आसपास मिला ही होगा। वेल अगर बात करें इनके कुल संपत्ति के बारे में तो इंटरनेट पर मौजूद कुछ जानकारी के मुताबिक सहदेव का नेटवर्थ तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए है और अभी न ही सहदेव के पास कोई गाड़ी है और न ही कोई बाइक है, लेकिन यह फ्यूचर में एक कार जरूर लेगा जो कि यह खुद एक इंटरव्यू के दौरान बता चुका है। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप भी सहदेव के गाने को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। बाद बाकी और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मिलते हैं एक और नए बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना।